नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कई बार बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं शोषण का अधिकार, तो शोषण का अधिकार नाम से कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी को भी हमारा शोषण करने का अधिकार नहीं है। अतः शोषण अगर कोई करता है तो उसके विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त है, और राज्य की ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य है कि वह शोषण के विरुद्ध अधिकार की रक्षा करेगा, अर्थात कोई भी किसी का शोषण नहीं कर पाए, यह देखभाल राज्य करता रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का निषेध है। बलात् का अर्थ होता है जबरदस्ती, श्रम का अर्थ होता है काम लेना, अर्थात कोई भी किसी को भी जबरदस्ती काम में नहीं ले सकता। अब प्रश्न उठता है कि काम के बदले में वेतन देता हूँ तो मैं इसको काम में ले सकता हूँ। केवल काम के बदले में वेतन देने से ही किसी को आप 100% पाबंद नहीं कर सकते कि उससे काम लेने का आपका अधिकार है। अतः सामने वाला या काम करने वाला या कार्य करने वाला व्यक्ति एग्री है, सहमत है, राजी है, तो उससे आप काम ले सकते हो, और उसके बदले में आपको न्यायोचित पारिश्रमिक या वेतन देना होगा। साथ ही उसकी मानवीय गरिमा और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा। कई बार केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बड़े बड़े होटल्स, कारखाने आदि पर आकस्मिक छापेमारी की कार्रवाई की जाती है, और उसमें बहुत सारे बंधुआ मजदूरों को ढूंढकर निकाला जाता है, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आप काम यहाँ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उनका उत्तर आता है, नहीं, हम इनके दबाव में काम कर रहे हैं, और ये हमें 12 घंटे काम में लेते हैं और केवल 6 घंटे प्रतिदिन का वेतन देते हैं। तो इस तरीके के बंधुआ मजदूरी में किसी को रखना या उसकी मर्जी के बिना काम में लेना या न्यायोचित पारिश्रमिक वेतन उसे नहीं देना काम के अधिकार का उल्लंघन है या शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसे उच्च या उच्चतम न्यायालय लागू करवाएगा और इनको लागू करवाने के लिए विशेष प्रावधान भी करेगा। हमें याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत काम उचित काम के बदले वेतन का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ हुआ जितना काम उतना वेतन, काम नहीं तो वेतन नहीं। लेकिन साथ ही हमें याद रखना है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, और इस लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी सुविधाएं राज्य उपलब्ध करवाता है। अतः कोई व्यक्ति काम करने में अक्षम है या शारीरिक रूप से वह सक्षम नहीं है, मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को जबरदस्ती काम में लेना भी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आएगा। अब हमारा 24वां जो अनुच्छेद है, जिसमें उल्लेख है कि बाल श्रम नहीं
करवाया जा सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का है तो उसे कारखानों में, होटल्स में या ऐसी किसी भी जगह पर काम में नहीं लिया जा सकता जहाँ पर काम के बदले में वेतन दिया जाता है। अब कई बार प्रश्न उठकर आता है कि बच्चे अपने माँ बाप की सहायता करते हैं, घर में मदद करते हैं, फसल के कार्य में मदद करते हैं, तो यह बाल श्रम का उल्लंघन है क्या? जी नहीं, यह बाल श्रम का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ऐसे काम के बदले में वेतन नहीं मिलता। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आगामी पीढ़ियों को समाजीकरण करना है कि उन्हें काम करना सिखाना है ताकि सही उम्र में आकर वे सही काम को नियुक्त कर सकें और बेरोजगारी से बच सके। अतः घर परिवार में नैतिकता के नाते बच्चों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके बदले में वेतन नहीं मिलता और वह शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं आता, या इसे बाल श्रम का उल्लंघन भी नहीं कहते। अब हमें पांचवा और महत्वपूर्ण लेकिन कई बार विवादों में रहने वाले विवादित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समझ लेना भी जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है। इसका अर्थ हुआ कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार किसी भी पंथ को मानने के लिए सक्षम है, उसे राज्य या कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता कि वह केवल राम को ही माने या रहीम को ही माने। वह व्यक्ति राम और रहीम दोनों को भी मान सकता है या दोनों को भी नहीं मान सकता, ये उसकी आत्मा या अंतःकरण का मामला है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख वैदिक काल से लेकर आज तक हमें मिला है। हमने पढ़ा है कि अकबर के शासनकाल में हिंदू रानियों को कृष्ण की उपासना करने से मूल काल ने भी वंचित नहीं किया। यह धार्मिक स्वतंत्रता का जीता जागता उदाहरण है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपनी रुचि के किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना में मदद कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है, उसके प्रति अपनी जैसी भावना है वैसी रख सकता है। राज्य व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता कि वह केवल इसी धर्म का अनुसरण करे। विद्यार्थियों, आपको याद रखना है भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इसमें राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और न किसी धर्म को घटावा देगा। राज्य की दृष्टि में सारे धर्म समान हैं। इसी को सर्वधर्म संभाव कहा जाता है। यह अलग बात है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम पंथ निरपेक्षता की इस व्यापक अवधारणा को संकीर्णता में बांधने की कोशिश करते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का सीधा साधा उल्लंघन है। अतः हमें ऐसे गुणों का विकास करना है कि देश में पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिले। संविधान के अनुच्छेद 27 में उल्लेख है कि धार्मिक संस्थाओं में किया गया व्यय कर रहित होगा। अर्थात व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं में जो भी पैसा लगाएगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, राज्य टैक्स नहीं लगा सकता। इससे यह सकारात्मकता
मिलती है कि व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार कितना भी व्यय धार्मिक कार्यों में करें, राज्य उस पर कर नहीं लगाएगा। संविधान के अनुच्छेद 28 में लिखा है कि यदि कोई शिक्षण संस्था या यदि कोई संस्था राज्य द्वारा वित्त पोषित है तो राज्य ऐसी संस्था में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। साथ ही व्यक्ति अपनी रुचि की धार्मिक संस्थाओं में यदि शिक्षा लेता है तो राज्य उसे रोक नहीं सकता। अतः संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 आपको सकारात्मक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह आपको एक धर्म विशेष के प्रति बंध कर रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और अपने अंतःकरण या आत्मा की आवाज के अनुसार किसी भी पंथ या संप्रदाय को मानने के लिए स्वतंत्र करता है। यह भारतीय संविधान की विशालता है, व्यापकता है, जिसे हमें हृदय से स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।